हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज शपारे वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस तो गाइस चल रहा था, उसका साथ देने के लिए आ गया है अब नया वायरस जिसका नाम है शपारे वायरस। तो ये वायरस कहां से आया है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, इसका क्या क्या इलाज हम कर सकते हैं, इस सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। सो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है और एक डेडली वायरस जिसको नाम दिया गया है शपारे वायरस। कहां पे? बोलीविया में। ओके, बोलीविया मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये देश है बोलीविया, वहां पे मिला है साइंटिस्ट को शपारे वायरस। ये शपारे हेमोग्राफिक फीवर जो है वो एक्चुअल में है क्या, राइट? तो शपारे हेमोग्राफिक फीवर जो है इट इज कॉज बाय सेम एडेनोवायरस फैमिली। ये एडेनोवायरस फैमिली से ही निकला है शपारे हेमोरोहेजिक फीवर, राइट? और ये जो एडेनोवायरस फैमिली है ये रिस्पॉन्सिबल रही है फॉर इलनेस सच एज इबोला वायरस डिजीज। बराबर, एडेनोवायरस फैमिली जो है इसमें से ही निकला था इबोला, बराबर, और अभी इसमें से ही निकला है शपारे हेमोरोहेजिक फीवर। ये जो नाम आप देख रहे हो दिस इज द फुल नेम ऑफ दिस वायरस, बराबर, शॉर्टली हम इसको कहते हैं शपारे वायरस। पर अगर इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो पूरा नाम है शपारे हेमोरोहेजिक फीवर। ओके गाइस, ये वायरस का नाम जो है शपारे इसके लिए रखा गया था क्योंकि बोलीविया में एक प्रोविंस है जिसका नाम है शपारे, वहां से ही ये वायरस फर्स्ट मिला था, वहां पे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, उसी बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया शपारे। ओके, अभी इसके सिम्टम्स क्या क्या है, अभी किसी इंसान को शपारे वायरस इन्फेक्ट हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इट कॉज हेमोरोहेजिक फीवर। बराबर, हेमोरोहेजिक फीवर मतलब क्या, हेमोरोहेजिक का मतलब होता है ब्लड लॉस। बराबर, हेमोरोहेजिक के अंदर क्या होता है गाइस, ब्लड लॉस होता है। बराबर, तो ब्लड लॉस के थ्रू क्या, ब्लड लॉस के वजह से एक टर्म यूज किया गया है इन मेडिकल फील्ड, उसको कहा जाता है हेमोरोहेजिक। तो इस जब भी इसका फीवर आएगा तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड लॉस मतलब क्या, ब्लड बाहर निकलना नहीं, मतलब बाहर निकल नहीं जाएगा, मतलब आपके ईयर्स में से ब्लड आ जाएगा, मुंह में से खून निकल आ जाएगा, वैसा नहीं होगा, पर आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो सब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसलिए इसको कहा जाता है हेमोरेजिक फीवर। और मच लाइक इबोला, इबोला के जैसे ये करता है एब्डोमिनल पेन, फिर वॉमिटिंग क्रिएट करेगा, ब्लीडिंग गम्स होगा, स्किन रैश होगी आपको, पेन बिहाइंड द आईज, ये सारे चीज जो है ये सिम्टम्स है ऑफ शपारे वायरस के। बराबर, अगर कोई इंसान इन्फेक्ट हो गया शपारे वायरस से तो ये सारे सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। ओके, वायरल हेमोरेजिक फीवर्स जो है वो काफी सीवियर होते हैं, बराबर, और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं। कैसे, क्योंकि इन फीवर के वजह से हो सकता है आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और ये डैमेज करेगा आपके ब्लड सेल्स को भी, राइट? तो उसके लिए ये जो हेमोरेजिक फीवर होता है वो काफी खतरनाक होता है। अभी ये स्प्रेड कैसे होता है, सो आरएनए वायरसेस लाइक शपारे वायरस आर जनरली कैरीड बाय रैट्स। इसको फैलाने का काम कर रहे हैं चूहे, रैट्स करते हैं, बराबर, और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंफेक्टेड रोडेंट। किसी इंफेक्टेड रोडेंट, रोडेंट का मतलब चूहा जो है, कोई इंफेक्टेड चूहा आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया तो आप इंफेक्ट हो सकते हो शपारे वायरस से, या फिर उसका यूरिन से आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया, या ड्रॉपिंग से, ड्रॉपिंग्स मतलब टॉयलेट उसका, उससे अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है, और थ्रू कॉन्टेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन, कि किसी इंसान को शपारे वायरस उसको इन्फेक्ट हो गया है और उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर आप आ गए तो आपको भी इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है, उसके थ्रू ये जो शपारे वायरस है वो स्प्रेड होता है। अभी हाउ इज शपारे वायरस हेमोरोहेजिक फीवर ट्रीटेड। बराबर, ये जो शपारे वायरस इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो पहली बात ये आप जान लीजिए कि देयर इज नो स्पेसिफिक ड्रग्स, कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है इसको ट्रीट करने के लिए। बराबर, पेशेंट्स जनरली रिसीव सपोर्टिव केयर रिसीव करेंगे सच एज इंट्रावेनियस फ्लूइड्स। इंट्रावेनियस फ्लूइड्स मतलब क्या,
कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो आपको सलाइनेशन करके उस डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश की जाएगी। बराबर, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है इसको ट्रीट करने के लिए। इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन। बराबर, हाइड्रेशन आपका मेंटेन किया जाएगा। हाइड्रेशन मतलब पानी पिलाते रहेंगे ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो जाए। सिडेशन दिए जाएंगे, थोड़ी नींद की दवा दे देंगे ताकि आप सोते रहे। बराबर, फिर पेन रिलीफ दिया जाएगा कि अगर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो आपको पेन रिलीफ दिया जाएगा, ट्रांसफ्यूशंस होगा। तो इस तरह से इसको मेंटेन रखा जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग्स या फिर कोई ऐसी दवाई नहीं आई है अबाउट टू ट्रीट दिस सफारे हेमोरेजिक फीवर। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द थ्रेट पोज्ड बाय सफारे वायरस। बराबर, इसने क्या थ्रेट हमारे सामने लाके रख दिया है। ओके, तो साइंटिस्ट ने यह पॉइंट किया है कि सफारे वायरस जो है इज मच मोर डिफिकल्ट टू कैच। बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी आप ये जान लीजिए कि ये जो वायरस है इज मच मोर डिफिकल्ट टू कैच, मतलब आप इजीली इससे इन्फेक्ट आप नहीं हो पाओगे जैसे कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हो। बराबर, कोरोना वायरस में तो अभी आप देखते होंगे कि कई सारे केसेस नए मिलना स्टार्ट हो गए हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल जाता है, तो सफारे वायरस का ऐसा सीन नहीं है, उससे आप जल्दी इन्फेक्ट आप नहीं हो सकते। एंड इट इज एज इट इज नॉट ट्रांसमिसिबल वाया रेस्पिरेटरी रूट। अभी कोरोना वायरस के थ्रू, कोरोना वायरस के जैसे ये जल्दी से इन्फेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये फैल नहीं रहा है थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, मतलब आप सांस लेने से इन्फेक्ट हो जाओगे, वैसा इसका सीन नहीं है सफारे वायरस का। बराबर, सफारे वायरस जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ बॉडीली फ्लूइड्स, मतलब आप किसी इंसान के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आते हो तभी जाके आपका इन्फेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। वैसे सांस लेने से या फिर ऐसी छोटी चीजों से ये वायरस जो है वो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। ओके गाइस, तो साइंटिस्ट ने कहा है कि कोई नहीं, सफारे वायरस आ गया है, पर इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि इसका जो फैलने का जो तरीका है, ट्रांसमिशन का जो तरीका है, वो टोटली डिफरेंट है कोरोना वायरस से। ओके गाइस, पीपल हु आर पर्टिकुलरली एट रिस्क, कौन से लोग जो है वो रिस्क में रह सकते हैं, रिस्क मतलब किनको सफारे वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। बराबर, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर फैमिली मेंबर्स जिनके लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, बराबर, उनको काफी चांसेस बढ़ जाता है कि उनको सफारे वायरस हो सकता है। बराबर, हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब क्या कि किसी हॉस्पिटल के अंदर सफारे वायरस का केस है तो वहां के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको चांसेस हो सकता है इन्फेक्ट होने का, और एक फैमिली मेंबर को हो जाता है, अपने फैमिली में से समझो किसी को हो गया तो बाकी के जो मेंबर्स है उनको भी इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उस रीजन से। ओके गाइस, दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन टू बी मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अभी और एक बात आप जान लो कि ये जो डिजीज है ये ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है कहां पे, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या, ये रहा अर्थ, बराबर, ये रहा बीच में से इक्वेटर पास हो रहा है, बराबर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है। बराबर, तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही ज्यादा पाया जाएगा, बराबर, ये सफारे वायरस। बराबर, एंड पर्टिकुलरली इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ज्यादा स्पेसिफिकली ये सफारे वायरस मिलने के चांसेस है क्योंकि वहां पे स्मॉल ईयर पिग्मी राइस रेड जो है वहां पे कॉमनली पाए जाते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि वायरस जो फैल रहा है इसको फैलाने का काम करते हैं चूहे, और ये जो ब्रीड है स्मॉल ईयर पिग्मी राइस रेड ये सबसे ज्यादा पाई जाती है कहां पे, साउथ अमेरिका में, तो वहां के लोगों में ये वायरस फैलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बाकी के जो लोग हैं दुनिया में वो सेफ है, इतना जल्दी चांस नहीं बढ़ेगा कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये वायरस जो है वो फैल जाए। सो गाइस, इसी तरह हम करंट अफेयर्स की वीडियो यहां पे अपलोड करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।